हेलो किड्स वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रीन दिस इज़ शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे अपना न्यू टॉपिक अ हाउस लाइक दिस यस दिस टॉपिक इज़ अबाउट द हाउसेस दैट देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस और सब लोग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रहते हैं तो हर एरियाज में अलग अलग प्रकार के घर होते हैं कहीं ईस्ट में दूसरे तरह के घर होते हैं कहीं नॉर्थ में दूसरे तरह के घर होते हैं वेस्ट में दूसरे तरह के घर होते हैं साउथ में दूसरे तरह के घर होते हैं बट कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि कहीं का वेदर कुछ होता है कहीं का वेदर एक्सट्रीम होता है कहीं रेनफॉल उसी के हिसाब से लोग बनाते हैं अपने अपने घर तो दिस अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस बट ये चैप्टर शुरू होता है एक स्टोरी के फॉर्म में और ये स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग सो चिल्ड्रेन लेट स्टार्ट द स्टोरी ओके माई नेम इज नसीम ओके अब यह चैप्टर शुरू होता है एक कॉन्वर्सेशन से और कौन बता रहा है माई नेम इज नसीम दाइल्ड इज से मेरा नाम क्या है मेरा नाम है नसीम आई लिव इन श्रीनगर मैं कहा रहता हूं मैं श्रीनगर में रहता हूं चिल्ड्रन डू यू नो वेयर श्रीनगर इज श्रीनगर इज इन जम्मू एंड कश्मीर जम्मू और कश्मीर का कैपिटल क्या है श्रीनगर है ओके okay? और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है इसलिए इंडिया के वो कौन से रीजन में है वो नॉर्दर्न रीजन में है तो नसीम कह रहा है कि आई लिव इन श्रीनगर सिंस yesterday देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन our स्कूल ओके सिंस yesterday, कल से ओके okay? Yesterday मतलब कल कल से मेरे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है ओके नसीम क्या बोल रहा है कि आई लिव इन श्रीनगर और कल से मेरे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है इट विल गो ऑन फॉर अ वीक और ये पूरी एक्टिविटी कितने दिन चलेगी वन वीक यस सेवन डेज एक हफ्ता पूरी एक्टिविटी उसके स्कूल में चलेगी डू यू नो वाई क्या तुम जानना चाहते हो क्यों There is a camp being held in our school. मेरे स्कूल में कैंप लग रहा है। Yes, camp क्या होता है? Camp is a place where all the children from different parts of India कम एंड स्टे टुगेदर और वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं वो न्यू न्यू स्पोर्ट्स सीखते हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट सीखते हैं एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते हैं तो ये होता है कैंप और नसीम के स्कूल में भी क्या लगने वाला था कैंप लगने वाला था और वो कितने दिन चलने वाला था वो पूरा वन वीक चलने वाला था और इसलिए कल से उसके स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही थी

टेंट लगाया गया था ओके यू कैन सी इन द पिक्चर चिल्ड्रन, दीज आर वॉट दीज आर टेंट्स ओके एंड यू कैन सी ये पूरा एरिया क्या दिख रहा है ये हिली एरियाज दिख रहा है माउंटेन्स दिख रहे हैं क्योंकि श्रीनगर कहाँ है जम्मू कश्मीर में है और कश्मीर में बहुत सारे पहाड़ हैं और वो नॉर्दर्न एरिया में है इंडिया के और इसलिए वहाँ पे क्या लगाया गया है टेंट लगाया गया है

कुछ बच्चों ने सम चिल्ड्रन कुछ बच्चों ने क्या यूज किया है कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े यूज किए हैं क्या बनाने के लिए डोर्स के स्ट्रीमर्स बनाने के लिए डोर्स को सजाने के लिए ओके देन सम हैव मेड पोस्टर्स यूजिंग आलमंड शेल्स कुछ बच्चों ने पोस्टर बनाया है ओके okay? और पोस्टर क्या यूज करके बनाया है आलमंड शेल्स आलमंड शेल्स क्या होता है बादाम के छिलके ओके okay? वाइल्ड अदर्स हैव मेड रंगोलीज़ यूजिंग ड्राई लीवस एंड सॉ और कुछ बच्चों ने रंगोलीज़ बनाई हैं रंगोली क्या होती है यू मेक इन दिवाली राइट यू मेक अ द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल क्रिएशन यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स तो बच्चों ने भी अपने स्कूल को बहुत सुंदर तरीके से सजाया है क्या क्या करके सजाया है आलमंड शेल्स यूज करके पोस्टर्स बनाए हैं और रंगोली बनाई है क्या यूज करके ड्राई लीव्स यूज करके सूखे पत्ते यूज करके और सॉडस्ट और कलर्स यूज करके ओके यू कैन सी हियर हाउ द ब्यूटीफुल रंगोली इज बीइंग मेड तो ये सब बच्चों ने क्यों किया था अपने स्कूल को सजाने के लिए किया था ओके देन टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप आज कैंप का क्या है पहला दिन है टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप

फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड आर सेल्फ एवरीबडी इंट्रोड्यूज ओके सब दिया इंट्रोडक्शन दिया एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम एंड ईट और क्या बोला हम कहा से आए हैं और हमें क्या खाना पसंद है ओके एवरीबडी गेव देअर इंट्रोडक्शन एंड टोल्ड दैट फ्रॉम वेयर दे हैव कम एंड वॉट दे यूज वॉट दे लाइक टू ईट ओके ये सब हो रहा था कहा हो रहा था कैंप में हो रहा था ओके देन चिल्ड्रन ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम्स और बच्चों ने क्या लाया था पिक्चर्स लाए थे किसके लाए थे अपने फैमिलीज के लाए थे ओके okay? और अपने घर के पिक्चर्स लाए थे क्योंकि बच्चे जगह जगह से आए थे तो सब लोगों ने क्या लाया था अपने पिक्चर्स लाए थे अपने घरों के पिक्चर्स लाए थे ओके okay? एवरी वन स्पोक अबाउट देअर होम्स सब लोगों ने अपने अपने घर की क्या की बातें की एवरी वन स्पोक अबाउट देअर होम्स भूपेंस ग्रुप वॉज द फर्स्ट टॉक और सबसे पहले किस बच्चों की टोली ने बात करनी शुरू की भूपेन्स की ओके भूपेन्स ग्रुप भूपेन की टोली ने ग्रुप टोली ने सबसे पहले क्या की बातचीत करने की शुरुआत की ओके देन

ऑलमोस्ट टेन टू ट्वेल्व फीट अबव द ग्राउंड और इसलिए हमारे घर दस से बारह फीट ग्राउंड से क्या होते हैं बनते हैं ओके वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है इसलिए वहाँ के जो घर होते हैं आसाम साइड के वो टेन टू ट्वेल्व फीट ग्राउंड से अबव बनते हैं ऊपर बनते हैं दे आर मेड ऑन स्ट्रोंग बैम्बू पिलर्स और वो कहाँ बनते हैं वो स्ट्रोंग बैम्बू पिलर्स से बनते हैं ओके ऑलवेज रिमेम्बर वो घर किससे बनते हैं स्ट्रोंग बैम्बू पिलर से बनते हैं उसेस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड और घर के अंदर भी किसका बना होता है लकड़ियों का बना होता है ओके बिकॉज इन असाम इट रेन्स हैवीली दैट इज वाई घर किसके बने होते हैं बैंबू पिलर्स के बने होते हैं और अंदर भी घर किसके होते हैं लकड़ियों के बने होते हैं और घर ग्राउंड से 10 से 12 फीट ऊपर बने होते हैं ये किसने बताया भूपेन ने बताया बिकॉज ही हैड कम फ्रॉम विच प्लेस ही हैड कम फ्रॉम मोलान विलेज फ्रॉम आसाम ओके देन क्वेश्चन के यहाँ आसाम में घर बैंबू पिलर्स के क्यों बनते थे ओके सो द आंसर इज भूपेन लिवस इन आसाम भूपेन कहाँ रहता था आसाम में इट रेन्स हेविली इन आसाम और आसाम में बारिश बहुत तेज होती थी सो हाउसेज आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स टू प्रिवेंट वाटर एंट्रिंग इन टू रूम्स और इसलिए घर बैम्बू पिलर्स के बने रहते हैं ताकि पानी रूम्स के अंदर ना आ सके ओके यू कैन सी द हाउस द हाउसेज आर मेड बाई यूजिंग वॉट बैम्बू पिलर्स ताकि बारिश में पानी रूम्स के अंदर ना आ सके दैट इज वाई हाउसेज आर मेड बाई यूजिंग व्हाट ट काइंड ऑफ रूफ डू दीज हाउसेस है किस तरह के रूफ रूफ मतलब क्या होता है छत छत इन घरों में किस प्रकार होती है और क्यों होती है सो द आंसर इज दीज हाउसेज द रेन वॉटर डज नॉट कॉज लीक्स इन द रूफ ओके इस तरह के घरों में जहां पे बारिश बहुत तेज होती है इट रेन्स ऑलवेज इन वॉट फॉर्म स्लैंटिंग फॉर्म ओके स्लैंटिंग ताकि पानी ठहरे ना बिकॉज इफ द दॉटर स्टॉप्स देन इट विल स्टार्ट लीकिंग तो उसको रोकने के लिए वहां के घर कैसे होते हैं स्लैंटिंग रूफ के होते हैं छत उनकी slanting होती है ताकि पानी क्या होता जाए बहता जाए ओके सो दैट इज द आर ऑलवेज हैव स्लैंटिंग रूफ एज अ रिजल्ट द रेन वॉटर डज नॉट कॉज लीक्स इन द रूफ ओके हाउ डज वन एंटर दीज हाउसेज कोई एक इन घरों में घुसता कैसे है किसी को अगर घर के अंदर जाना हो तो इस घरों में कैसे जाया जा सकेगा पीपल यूज लैडर्स टू एंटर दीज हाउसेज लैडर्स मीन्स सीढ़ियाँ ओके लोग सीढ़ियाँ यूज करके घरों के अंदर जाते हैं क्यों क्योंकि घर 10 से 12 फीट ऊपर बने हुए हैं तो आपको चढ़ने के लिए क्या चाहिए सीढ़ियाँ चाहिए एंड दैट इज वाई पीपल यूज लैडर्स टू एंटर दीज हाउसेस ओके एट नाइट द लैडर इज रिमूव फ्राम दीज हाउसेज कैन यू टेल वाई और रात को लैडर्स को घर से हटा दिया जाता है ओके okay? क्या तुम बता सकते हो क्यों दिस इज द क्वेश्चन आंसर इज दिस इज डन टू प्रिवेंट हार्मफुल एनिमल्स फ्रॉम एंट्रिंग द हाउस ओके रात को सीढ़ियों को घर से हटा दिया जाता है क्योंकि एनिमल्स हार्मफुल एनिमल्स जो एनिमल्स हमको नुकसान ना पहुँचाएँ वो ना ऊपर चढ़ के आ जाए इसलिए ड्यूरिंग नाइट्स लेडर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दी हाउसेज ओके सो दिस इज डन टू प्रिवेंट हार्मफुल एनीमल्स फ्राम एंट्रिंग दी हाउस घर में घुसने से रोकने के लिए हार्मुल एनिमल्स को लेडर्स को क्या कर दिया जाता है हटा दिया जाता है नाउ इट वॉज चमेली किसका टर्न आता है चमेली का टर्न आता है नाउ वॉट इज शी have प्लीज कम एंड रीड is a hilly area. चमेली क्या बोल रही है मैं hilly area से आई हूँ पहाड़ों वाले area से आई हूँ okay? Hills के area से आई हूँ कहाँ से Manali से तो चमेली was from Manali. At our place it rains heavily. एंड स्नो well. हमारे यहाँ बारिश भी तेज होती है और स्नो बर्फ भी बहुत बहुत सर्दी हो जाती है तब हमको कहाँ बैठना अच्छा लगता है सूरज के सामने okay? Sun. We like to sit in the sun. Our houses are made of stone or wood. और वहाँ के houses कैसे बने होते हैं पत्थर और लकड़ियों से बने होते हैं स्टोन और वुड ओके ये कौन बता रहा है चमेली बता रही है चमेली हैड कम फ्रॉम विच प्लेस मनाली और मनाली में क्या था बहुत बारिश होती थी और बहुत बर्फ गिरती थी और वहां पे जब सर्दी होती थी देन चमेली एंड एवरी वन फ्रॉम मनाली यूज टू सिट इन द सन और वहां के घर कैसे बने होते थे स्टोन और वुड के बने हुए थे ओके सो दिस वॉज टोल्ड बाय चमेली टू दी अदर फ्रेंड्स ओके इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस चमेली का घर कहा था तो सो जस्ट नाउ वी स्टड इट चमेलीज हाउस इज इन मनाली विच इज अ हिली एरिया ओके चमेली का घर कहा था मनाली में था और मनाली क्या है हिली एरिया है ओके okay? वॉट इज दिमिलैरिटी इन द रूफ ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस क्या सिमिलैरिटी थी क्या मिलता था चमेली के रूफ चमेली के छत और भूपेन के घर के छत में क्या सिमिलैरिटी थी वॉट वॉज द सेम फीचर सो बोथ द हाउसेज है स्लैंटिंग रूफ्स दोनों घरों में रूफ्स कैसी थी स्लैंडिंग थी क्यों थी क्योंकि बारिश दोनों जगह बहुत होती थी तो पानी ठहरे ना उसको बहने के लिए द रूफ व स्लैंड हाउ डू रूव हेल्प इन देयर एरियाज छत ऐसे एरियाज में कैसे हेल्प करते हैं सो सच रूफ डज नॉट अलाउ रेन वाटर और स्नो टू गेट कलेक्टेड ऑन द रूफ स्लैंटिंग रूफ रहता है तो पानी हो गया बर्फ हो गया को ठहरने नहीं, नहीं देता वो बहते चले जाते हैं ओके सो इन इन फ्रंट ऑफ यू दिस हाउस इज मेड ओके एंड यू कैन सी द स्लैंटिंग रूफ इज देयर तो यहाँ पे कोई चीज रहेगी नहीं सब कुछ बहती चली जाएगी इवन इफ इट इज अ रेन और स्नो ओके सो दैट इज हाउ दीज रूफ डज नॉट अलाउ रेन वाटर और स्नो टू गेट कलेक्टेड ऑन द रूफ ओके देन कहा से बच्चे आए थे दिल्ली से आए थे ओके दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन उन लोगों ने दिल्ली की पिक्चर्स सबको दिखाई इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स भूपेन सेड ओ उसेस एक पिक्चर में भूपेन ने बिल्डिंग्स को देख के क्या बोला अरे इतने लंबे लंबे घर हाउ डू यू क्लाइंब अप तुम इनपे चढ़ते कैसे हो ओके लुक एट दीज हाउसेज एंड फाइंड आउट इफ देयर आर सिमिलर हाउसेज इन योर एरिया ऑल्सो ओके इन घरों को देखो और बताओ के तुम्हारे एरिया में भी ऐसे घर हैं कि नहीं है ओके okay? सो so ये घर कहाँ की बातें हो रही हैं? ये दिल्ली के घरों की बातें हो रही हैं, ओके? Okay? और आप बताओ कि आपके एरिया में भी कुछ ऐसे लंबे लंबे घर है कि नहीं है ओके हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और लोग इतने लंबे लंबे, लंबे घरों में चढ़ते कैसे हैं पीपल यूज लिफ्ट टू गो अप इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग क्या यूज करते हैं लोग लिफ्ट यूज करते हैं टू क्लाइंब इन दल्टी स्टोरी बिल्डिंग ओके ना न्यू डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया ओके चिल्ड्रन सो रिमेंबर दिस इंडिया की कैपिटल क्या है न्यू डेली है पीपल फ्राम विलेज एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज लाइक डेली इन सर्च ऑफ वर्क लोग गाँव से शहर से कहाँ आते हैं दिल्ली आते हैं क्यों आते हैं टू सर्च फॉर वर्क काम की तलाश में दीज पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी और ये लोग यूजअली शहर में क्या हो जाते हैं बस जाते हैं सेटल हो जाते हैं ओके okay? There are a large number of people living here and the space is less. बहुत सारे लोग रह रहे हैं दिल्ली में, ओके? और इसलिए जगह क्या पड़ जाती है? छोटी पड़ जाती है, स्पेस बिकम्स लेस Many people do not have houses at all. बहुतों के पासेस तो कोई भी घर नहीं होता है रहने के लिए. They have to live in slums. उनको कहाँ रहना पड़ता है? स्लम एरिया में, ओके? झुग्गी झोपडियों में रहना पड़ता है. एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट इधर और कुछ लोगों के पास तो वैसे वाले घर भी नहीं होते हैं ओके okay? जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ भी नहीं होती हैं पीपल स्लीप वेयर एवर दे फाइन्ड प्लेस लोग कहीं भी सो जाते हैं जहाँ भी उन्हें जगह मिलती है क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा है बहुत सारे लोग हैं और स्पेस की कमी है तो लोगों को जहाँ जगह मिलती है वो वहीं सो जाते हैं ऑन द रोड On the at the station. कहां, कहां? Road पे सो गए इंडीड शेल्टर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज और इसलिए बड़े शहरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज की है शेल्टर की है शेल्टर मतलब जहां पे हम अंदर घर में रह सके छत ओके okay, शेल्टर की है सो बिग सिटीज में व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ऑफ शेल्टर ओके कैन सी हियर इन द पिक्चर ओके हाउ द पीपल आर स्टेइंग पीपल आर स्टेइंग ऑन द रोड ओके एंड दीज हाउसेज ऑल्सो यू कैन सी सच स्मॉल स्मॉल प्लेसेज कुछ बच्चे बाहर ही बैठे हुए हैं कुछ बच्चे बाहर ही बैठ के पढ़ रहे हैं तो जितना बड़ा शहर होता है वहां रहने की जगह भी कम पड़ जाती है क्योंकि लोग दूसरी जगह से भी वहां पे काम की तलाश में आते हैं ओके, नाउ कंशी राम टोल्ड एवरी वन अब सब बच्चों की बात हो गई भूपेन ने बता दिया अनुज ने बता दिया सबने बताया अब नेक्स्ट किसकी बारी है कांशीराम राम की कांशीराम राम क्या कह रहा है आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान वो कहाँ से आया है राजस्थान से Rainfall is इज वेरी in इन आर एरिया बारिश बहुत कम होती है स्कार्स मतलब कम इट इज वेरी हॉट टू और वहाँ बहुत गर्मी है We live in mud houses. हम कहाँ रहते हैं मिट्टी के घर में मड मतलब मिट्टी द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक और घर की दीवारें क्या होती हैं मोटी होती हैं थिक होती हैं आर प्लास्टेड विथ मट और ये प्लास्टर किसके होते हैं मिट्टी के होते हैं ओके okay? मिट्टी की बनी होती हैं। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेज और जो छतें होती हैं वो क्या होती हैं थॉर्नी बुशे ओके थॉर्नी बुशेज की बनी होती हैं घास फूस की बनी होती है ओके सो यह कौन बता रहा है कान्शी राम बता रहा है दैट ही बिलोंग्स टू राजस्थान और वहां पर पानी बहुत कम गिरता है और वहाँ बहुत गर्मी होती है और जो घर होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं ओके देन इन द सेम वे ऑल द ग्रुप स्पोक अबाउट देयर हाउसेज और इसी तरह से लोगों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया कैंप में ओके okay? कोई राजस्थान के बारे में बता रहा था आसाम के बारे में बता रहा था कोई मनाली के बारे में बता रहा था कोई दिल्ली के बारे में बता रहा था तो सब लोगों ने अपने अपने घरों के बारे में क्या की बातचीत की आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ कल्चरल प्रोग्राम हुआ ओके okay? संगीत का कार्यक्रम हुआ डांस का कार्यक्रम हुआ The children performed various dances. बच्चों ने बहुत सारे dances perform किए, okay? They sang folk songs in their own languages. और बच्चे जिस-जिस area जिस से आए थे वहाँ वहाँ area के उन लोगों ने क्या गाए? Folk songs गाए. Folk songs मतलब क्या होता है? लोग गीत, okay? Folk songs. Folk मतलब जिस area से you belong वहाँ के गाना गाना, okay? Folk songs. Everybody had kava with almonds and cardamom. उसके बाद लोग बच्चों ने क्या पिया कहवा पिया कहवा इज अ सॉर्ट ऑफ अ ड्रिंक ओके और किसके साथ खाया बादाम और इलायची के साथ बिकॉज देवर इन कश्मीर और वहाँ पे होती है सर्दी ओके okay? तो श्रीनगर में थे वो लोग सब तो वहाँ की जो ड्रिंक है दैट इज़ अ वेरी फेमस ड्रिंक एंड दैट ड्रिंक इज़ नोन एज कावा ड्रिंक और कावा ड्रिंक के साथ बच्चों ने क्या खाया आलमंड बादाम और कार्डमम इलायची ओके okay? वी रियली एंजॉयड आर सेल्व हम सब ने बहुत मस्ती की हम सब ने बहुत इंजॉय किया इन द इवनिंग वी ऑल वेंट टू दल लेक और शाम को हम सब कहाँ गए दल लेक गए ओके okay? श्रीनगर में फेमस लेक है जिसका नाम क्या है दल लेक है चिल्ड्रन तो यू ऑल्सो विजिट श्रीनगर एंड विजिट टू दल लेक वो बहुत ही सुंदर लेक है तो शाम को सब बच्चे कहाँ गए दल लेक गए ओके okay? हाउस बोट और वहां जाके उन्होंने क्या देखा हाउस बोट देखा ओके बोट थी नाव थी बट किसके फॉर्म में थी हाउस के फॉर्म में थी ओके okay? दल लेक में क्या देखा बच्चों ने हाउस बोट देखा वी सैट इन moved the oars हम शिकारा में बैठे और कुछ बच्चों ने oars चलाई oars क्या जिससे आपकी बोट क्या होती है चलती है चार चिनारी सराउंडेड बाई ब्लू माउंटेन्स और हमने क्या देखा चार चिनारी देखा जो कि ब्लू माउंटेन से क्या था घिरा हुआ था सराउंडेड घिरा हुआ था तो ये सब बच्चे श्रीनगर में जाके कितनी मस्ती कर रहे थे क्योंकि वो सब कहा गए थे कैंप में गए थे और सुबह उन सब ने बात की अपने अपने घरों के बारे में बताया फिर कल्चरल प्रोग्राम अटेंड किया फोक डांस किया फोक सॉन्ग गाए फिर कावा पिया और शाम को फिर वो दल ले गए वहां पे हाउस बोट देखा वहां पे शिकारा में बैठे और ये सब मस्ती कौन कर रहे हैं बच्चे कर रहे हैं एंड चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया ओके हाउ इज अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेज अब हाउस बोट बाकी घरों से अलग कैसे है सो so, हाउस बोट फ्लोट सो की क्या जुड़ा है बोट तो जाहिर सी बात है किस पे फ्लोट कर रहा है पानी में फ्लोट कर रहा है और क्या है मूवमेंट्स में है ठहरा हुआ है क्या नहीं वो तो बह रहा है मूवमेंट्स में है अदर हाउसेज रिमेन एट वन प्लेस और बाकी हम सबके घर क्या है एक जगह में है ओके तो दिस इज द डिसिमिलैरिटी बिटवीन द हाउस बोट एंड द हाउसेस हाउस बोट्स कीप ऑन मूविंग और हाउसेस रिमेन एट वन प्लेस ओके वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस एंड वाई क्या तुम भी ऐसे घर में रहना चाहते हो और क्यों द आंसर इज यस आई वुड लाइक टू लिव इन सच हाउस आई विल इंजॉय बोटिंग एंड फिशिंग फ्रॉम सच हाउस मैं बोटिंगा मैं मछली पकड़ना पसंद करूंगा तो मुझे भी ऐसे घर में रहना बहुत आएगा ओके लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच हट हाउस ऑफ स्नो टेंट हाउस बोट मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग नाउ इन योर नोट बुक इट इज गिवन

ट टेंट तो हमने देखा ही था कैंप में सब बच्चे टेंट में रह रहे थे तो टेंट कैसा दिखता था टेंट वॉज लाइक दिस ओके टेंट देउस बोट हाउस बोट कहा है जो पानी में बहता है ओके हाउस है जो पानी में फ्लोट कर रहा है सो हाउस बोट इज दिसन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग टॉल टॉल बिल्डिंग्स जिसमें ऊपर जाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है लिफ्ट की जरूरत पड़ती है एंड दैट इज वाई न मैच दी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग विद बिल्डिंग इस तरह से आप अपनी बुक में भी कर सकते हैं मैच ऑफ दुटर टिक ऑन द नेम्स ऑफ थिंग्स विच योर हाउस इज मेड ऑफ ओके अब आपको उस पर टिक करना है जिस नाम पे आपका घर क्या है बना हुआ है आपका घर जिन जिन चीजों से बना हुआ है आपको करना है उसमें टिक मार्क ओके सो हमारा घर किस किस से बना हुआ है ग्रास वुड सीमेंट आयरन लाइमस्टोन, ब्रिक्स ग्लास स्टोन अब जिन जिन लोगों के घर जिन जिन चीजों से बने हुए हैं चिल्ड्रेन यू कैन टिक मार्क दोज थिंग्स ओके सो दिस वॉज द आंसर फॉर योर रेफरेंस यू ऑल्सो सी यू ऑल्सो आस्क योर पेरेंट्स दट हाउ योर हाउस इज मेड ऑफ एंड देन डू द टिक मार्क इन दोज बॉक्सिस ओके नाउ नेक्स्ट लुक एट दाउसेज इन योर नेबरहुड वॉट आर द लिस्ट आप अपने घर के आस पास के घर को देखो और बताओ कि वो किस किस चीजों से बने हुए हैं सो सीमेंट ओके सीमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आजकल के घरों के लिए ब्रिक्स ईट देन ग्लास एंड स्टोन ओके कांच और पत्थर आजकल के घर मोस्टली इन्ही चीजों से बने होते हैं ओके okay, आप भी देखो और देख पता लगाओ कि आपके घरों के पास कौन कौन से ऐसे घर हैं जो इन चीजों से बने हुए हैं ओके okay, अब क्या करना है आपको सैंपल्स कलेक्ट करना है उन चीजों का जो आपके घर के लिए क्या होती है बनाने के लिए जरूरतें होती हैं ओके सो दीज आर यू कैन सी सैंपल्स ब्रिक्स ईट सीमेंट कॉन्क्रीट

फिलिट इन एन एम्प्टी मैच बॉक्स एंड प्रेस उसके बाद आपको वो जो नीडेड क्ले है उसको एम्प्टी मैच बॉक्स के अंदर क्या करना है भरना है टेक इट आउट व्हेन ड्राई उसके बाद जब वो सूख जाए उस मैच बॉक्स के अंदर आपको क्या कर लेना है निकाल लेना है योर लिटिल ब्रिक्स रेडी कलर योर ब्रिक्स और आपका छोटा सा ईट हो जाएगा तैयार और अब आप उसको क्या करो कलर करो राइट योर नेम ऑन देम और अपना अपना नाम लिखो ओके यू कैन सी हाउ द ब्रिक्स आर मेड है ना कितने सुंदर सुंदर तरीके से घर बना हुआ है तो इसी तरह से आप क्या करो थोड़ा सा क्ले को नीट करो मैच बॉक्स के अंदर भर दो और जब वो सूख जाए उसके बाद निकाल लो और फिर कलर करके अपना सुंदर सा घर बनाओ ओके सो दिस इज एन एक्टिविटी विच इज गिवन इन योर कोर्स बुक ओके Use all the bricks to make a colorful house. Decorate the roof of this house. This is the sample given. Okay. बहुत सारे match boxes तैयार करो. बहुत सारा clay इस तरह से neat करके सुखाओ और colour करो और roof बनाओ. Collect or draw pictures of different kinds of houses. Use these to make a beautiful chart. Display it in your classroom और अपनी class में जाके दिखाओ कि how beautiful house you have made. Okay children? ओके सो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस जहां बारिश होती है वहां कैसे घर होते हैं जहां गर्मी होती है वहां कैसे घर होते हैं जहां स्नो होता है वहां कैसे घर होते हैं एंड वी आल्सो लर्न अबाउट हाउस बोट दैट हाउ हाउस बोट इज डिफरेंट फ्रॉम दी हाउसेज वी ऑल्सो लर्न दट जहां पर बड़े बड़े शहरों में रहने की जगह नहीं होती है देन हाउ पीपल यूज टू लिव इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स सो वी लर्न अबाउट डिफरेंट डिफरेंट

विजिट गूगल क्रोम राइट डाउन डब्ल्यू 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 डॉट मैगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम उसके बाद आपकी खुलेगी ये वेबसाइट जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज नंबर वन हंड्रेड परसेंट फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म नीचे लिखा रहेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज जैसे ही आप वहां देखोगे यू विल फाइंड हियर द लिस्ट ऑफ क्लासेस अब आपको जो भी क्लास में पढ़ना है आपको वो क्लिक करना है सपोज यू आर स्टडिंग इन क्लास थ्री यू जस्ट हैव टू क्लिक हेयर क्लास थ्री एज सुन एज यू क्लिक क्लास थ्री ईयर यू विल हैव योर टीचर्स इन फ्रंट ऑफ यू अब आपको जो भी टीचर्स है जो सब्जेक्ट पढ़ना है आप उसका वॉच नाउ बटन दबाओ सपोज यू वॉन्ट टू स्टडी ईवीएस क्लिक वॉच नाउ जैसे ही आप वॉच नो दबाओगे आपके पास पूरे चैप्टर के सिलेबस खुल जाएगा वीडियोस, समरी वर्कशीट एवरीथिंग ओके एंड द वीडियोस विल स्टार्ट लाइक दिस और फिर आप इंजॉय करो पढ़ो और अच्छे से चैप्टर को समझो तो इस तरह से सिंपल सा सोल्यूशन है बहुत सारे वीडियोस में एक वीडियो देखने का ओके सो so, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडर टू ग्रेट ट्वेल्थ फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन बाय बाय